जीवन मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग जीवन मंत्रा चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों जीवन मंत्रा में जो नुस्खे हम आपको बताते हैं वो वैद्यों और एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक होते हैं, इसलिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को भी इस चैनल के बारे में आप बताएं। दोस्तों आंवला चूर्ण का उपयोग आंवले के उपयोग का एक आसान तरीका है। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है। विटामिन सी आपको इसके चूर्ण से भी प्राप्त हो सकता है। आंवला शरीर की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको बढ़ाता है, बुढ़ापे को रोकता है और यौवन को बनाए रखने में सहायक होता है। आंवला मुरब्बा, आंवला कैंडी, आंवला जैम, आंवला सुपारी, आंवले का अचार, आंवले की लौंजी आदि आंवला उपयोग में लाने के अन्य विकल्प भी हो सकते हैं। आंवले के चूर्ण का इस्तेमाल पूरे साल किया जा सकता है। आंवला चूर्ण त्रिफला बनाने में, बालों के लिए आंवले का तेल बनाने में भी काम में लिया जाता है। बहुत सारे आंवले के उपयोग हैं। दोस्तों आंवला चूर्ण के फायदे और उपयोग को आज हम इस वीडियो में विस्तार से जान लेते हैं। एक चम्मच आंवला चूर्ण पानी के साथ रोजाना लेने से चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं और चेहरे पर कांति बनी रहती है। दो चम्मच आंवला पाउडर रात को एक गिलास पानी में भिगो दें, गिलास कांच का लें, सुबह पानी छानकर इस पानी से चेहरा धोएं। आप देखेंगे कि आपके चेहरे की कांति जो है वो बहुत जबरदस्त हो गई है। ऐसा नियमित रूप से करने से आपकी झुर्रियां और झाइयां भी ठीक हो जाएंगी। खाना खाने के साथ साथ दो चम्मच आंवला चूर्ण नियमित खाने से अधिक उम्र होने पर जोड़ों के दर्द और हड्डियों के जो दर्द है उसकी तकलीफ से आपको बचाव हो जाएगा। नियमित रूप से दोनों समय खाना खाने के समय एक चम्मच आंवला चूर्ण पानी के साथ लेने से सिर दर्द, गैस, आंखों की जलन, हाथ पैरों की जलन और दमा में राहत मिलती है। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, रक्त की कमी दूर होती है तथा लीवर मजबूत होता है। एक गिलास पानी में दो चम्मच आंवला पाउडर मिलाकर उबाल लें, ठंडा होने पर छान लें। इसे मिश्री मिलाकर पीने से भोजन के प्रति अरुचि ठीक हो जाएगी और खुलकर भूख लगेगी। बारीक पिसे हुए आंवला पाउडर में कुछ बूंदे सरसों का तेल मिलाकर हल्के हाथ से दांतों पर मलने से मसूड़ों के जो खून है वो आना बंद हो जाएगा और पायरिया रोग में आराम मिलेगा। एक गिलास पानी में दो चम्मच आंवला चूर्ण और स्वादानुसार गुड़ या मिश्री मिलाकर उबाल लें। जब आधा ये रह जाए तो छान कर पिएं। इस तरह सुबह शाम दो बार लेने से माहवारी के समय होने वाली पीड़ा कम हो जाती है। दोस्तों बहुत सारे वीडियोस ऐसे होते हैं जिसमें आपको हमेशा फायदे लोग बता देते हैं लेकिन उसकी ना विधि बताते हैं ना सेवन का तरीका बताते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको इस वीडियो में आंवला चूर्ण बनाने की विधि भी बता रहे हैं कि कैसे इसको बनाना चाहिए। ताजे और दाग रहित आंवलों को पानी से धो लें, इन्हें एक घंटे के लिए पानी में भिगो दें, इन्हें दूसरे बर्तन में डालकर पकने तक पानी में उबाल लें। उबालने के बाद आंवलों को ठंडा होने के लिए छोड़ दें। आंवले ठंडे होने पर फांक कर अलग कर लें और गुठली निकाल कर फेंक दें। आंवले की फांकों को किसी प्लास्टिक सीट पर फैलाकर सूखने के लिए रख दें। तेज धूप में 8-10 दिन आप इसको सुखाएं। जब आंवले सूख जाएं तो इन्हें इमाम दस्ते में कूट कर छोटे छोटे टुकड़े कर लें। अब इन टुकड़ों को मिक्सी में एकदम बारीक पीस लें। पिसे हुए आंवले के पाउडर को बारीक छलनी से छान लें। छानने के बाद छलनी में जो मोटा पाउडर रह जाता है उसे वापस मिक्सी में डालकर पीस लें। छने हुए बारीक पाउडर को एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख लें। आंवला चूर्ण तैयार है। इसे जरूरत के अनुसार ही आप उपयोग में ले सकते हैं। दोस्तों अब आंवला चूर्ण बनाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। वो क्या ध्यान रखेंगे आप? आंवलों को कच्चा काट कर व सुखा कर भी आंवला चूर्ण बना सकते हैं लेकिन उबाल कर बनाना ज्यादा आसान होता है। आंवलों को अच्छी तरह सूखने दें ताकि लंबे समय तक आंवला पाउडर खराब नहीं हो। सूखने के लिए आंवलों को फैलाकर सुखाएं व रोज एक बार हाथ से थोड़ा उलट पुलट कर दें। आंवला सूखने के बाद बहुत ही कड़क हो जाता है इसलिए पहले इमाम दस्ते में कूटने के बाद ही मिक्सी में पीसें, अन्यथा मिक्सी की ब्लेड टूट सकती है। आंवलों को सुखाते समय मिट्टी व मक्खियों से बचाने के लिए बारीक कपड़े से आप ढक दें। आंवला चूर्ण एक साल तक उपयोग में आ सकता है। दोस्तों हमने आंवले के प्रयोग, उसके फायदे, उसकी विधि, हमने पूरा कंप्लीट पैकेज आपको दिया है। दोस्तों जीवन मंत्रा जीवन की एक ऐसी पद्धति है जिसमें आप निरोग बनते हैं, स्वस्थ रहते हैं और आप लंबा जीवन जीते हैं। दोस्तों जीवन मंत्रा में आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।